Good morning to all of you. I am your math teacher, Mr. Manoj Sir, and this is your math book, Math. तो हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे थे 6.1, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे. अब मैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड से, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल. इसको हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है. हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ए. एक्सप्रेस इन डेसिमल, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 425/10, ये वाला पार्ट. तो अगर हमारे पास में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ये ऐसे कोई नंबर हो जैसे वन के बाद बहुत सारे जीरो आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम बेसिकली क्या करते हैं, 10 से 5, 1 का पॉइंट. अब क्या बच गया हमारे पास, 2, 4 आंसर. एक और देख लो इसमें, ये वाला पार्ट 66/100, 106, 106, 1 का पॉइंट. बच्चों खाली नहीं छोड़ते, इस पे जरूर रखते. एक और ब्रेक के अंदर इसमें 146/100. तो कैसे करेंगे इसको, 106, 104 और 1 का पॉइंट. यहां बच्चे आपके पास 1 से. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 1-0 है तो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 2-0 है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, और अगर हमारे पास 2-0 है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे. इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द डेसिमल एज फ्रैक्शन. इस तरह से हमें इसको पॉइंट हटाना है और पॉइंट लगाना है. ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा आपका इसका क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं जरा इसमें. सबसे पहले 73.72,
अब इसका जो पॉइंट है उसको लगाओ, पॉइंट के बाद 7 और पॉइंट के बाद 1 एंड देन 8 और 1, अब प्लस कर दो, सिंपल प्लस हो गया हमारा, इसमें आ जाएगा 4 9.19। तो इसका आंसर है हमारे पास 91.9। इसी सीरीज में एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, ई वाला पार्ट जब होगा 9.74 माइनस 28.854। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले ये लिख सकते हैं, बड़ी लिख सकते 9.74 इसका पॉइंट लगाओ करें, और पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे ही लगाते हैं, ना आगे ना पीछे। उसके बाद आपके पास 8.54 और इधर है आपके पास 8.2। ओके, पॉइंट नीचे पॉइंट, 7 नीचे 8, 4 नीचे 5, यहां कुछ नहीं है तो हम लगा लेंगे 0, सब्ट्रैक्ट की मैच। अब यहां से कैरी लेंगे 10 में से 4 गए 6, यहां कितना बचा आपके पास 3, एक कैरी यहां से लेंगे 13 में से 5 गए, आपके बच्चे कितने 8, 13 में से 5 गए 8, यहां बचे कितना 6, यहां से कैरी लेंगे 16 में से माइनस करेंगे तो 8, अब पॉइंट आ जाएगा, यहां बचा 8 में से 8 0 और 0 में से कितनी जा सकती है, यहां से कैरी लेंगे 10 में से हो गए 8 और यहां बचा आपके पास 8, तो ये आ गया आपके पास 880.88। तो इस तरह से करेंगे, हमेशा पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना, ना आगे ना पीछे, अगर आपने आगे पीछे में मिस्टेक कर दी तो आपके आंसर फिर आएंगे। ओके, थैंक यू आज के लिए।